फ्रेंड्स, कल डाला था हमने अपने आंगन का फर्श, जिसमें पापा थे मिस्त्री और मैं लेबर का काम कर रहा था। तो आज हम उस फर्श में घोल डाल रहे हैं, तो चलो देखते हैं। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सौरभ करनियाल, वेलकम टू आवर चैनल करनियाल्स ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के नए ब्लॉग में। तो सबसे पहले दिखाते हैं आपको आज का मौसम। तो ऐसा हो रखा है आज का मौसम, अच्छी सी धूप निकली पड़ी है, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये हमारा गाँव जीवई, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो फ्रेंड्स, कल डाला था हमने अपने आंगन का फर्श, जिसमें पापा थे मिस्त्री और मैं लेबर का काम कर रहा था। तो आज हम उस फर्श में घोल डाल रहे हैं, तो चलो देखते हैं कैसा डाल पाते हैं सही से या नहीं। तो फ्रेंड्स, ये डाल रखा था हमने कल फर्श। पापा ने डाला इसे, तो अब हम इसी में डाल रहे हैं घोल। तो चलिए अब घोल बनाते हैं और इसमें डालते हैं। तो फ्रेंड्स, अब देखो पापा बना रहे हैं घोल। तो ये हो गया घोल तैयार, अब इसको डालते हैं फर्श पे। तो ये देखो हो गया घोल का छिड़काव स्टार्ट। इसको झाड़ू से ही कर देंगे ऐसे में। ये देखो बस अब होने वाला है घोल, मारने का प्रोसेस पूरा। फ्रेंड्स, अब घोल मारना हो गया है पूरा, ये देखिए। और फ्रेंड्स, हमने वहां पे प्लेन वाला घोल इसलिए नहीं मारा क्योंकि वहां पर से रास्ता है, तो कोई भी वहां पे गिर उड़ सकता है। तो इसीलिए हमने वहां पे एकदम हल्का हल्का वाला घोल मार रखा है कि फर्श डालते समय उसके ऊपर हल्के हल्के से गड्ढे हो जाते हैं, तो हमने सिर्फ उसे बंद करने के लिए घोल मार रखा है बस। और ये देखिए फ्रेंड्स, मम्मी अभी गेहूं साफ कर रही है। ये देखो ऐसे कूड़ा हो रखा है ना थोड़ा सा, तो वो साफ कर रही है मम्मी। और ये देखिए पापा डाल रहे हैं क्यारी में पानी, जो हमने उस दिन मेथी और राई बोई थी उसमें पानी डाल रहे हैं। लहसुन तो हो गया था पहले ही, लेकिन मेथी भी हो चुकी है हल्की हल्की, देखो दिखाई दे रही है। ये देखो हल्की हल्की नज़र आ रही है।
और ये देखो एलोवेरा भी लगा रखा हमने और भी कई पेड़ लगा रखे हमने। ये देखो इधर वाला नारंगी का पेड़ है, हम लगाते रहते हैं फिर पेड़ वगैरह, फलों के पेड़। और ये देखिए किन्नू कितने ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स जो ये पेड़ लगा रखे हैं, ये सारे के सारे पेड़ सबसे बड़े वाले भैया और नीरज भैया ने लगा रखे हैं, क्योंकि उन्हें पेड़ लगाना बहुत ही अच्छा लगता है। और जब अब की बारी सबसे बड़े वाले भैया आ रखे थे तो उन्होंने ये वाले पेड़ लगाए। देखो ये बीच में जो नारंगी का पेड़ हो रखा है ये लगाया था, और ये अमरूद के पेड़ लगा रखे हैं। और बाकी ये फूलों के पेड़ तो नीरज भैया ने लगा रखे हैं। तो फ्रेंड्स काफ़ी देर से हम क्यारियों में पानी डाल रहे हैं, तो मम्मी ने कहा कि ज़्यादा पानी भी बेकार होता है क्यारियों के लिए, ऐसा करके अब बस इतना ही डाल पानी, क्योंकि नहीं तो क्यारी में जो हमने राई और सब्जी वगैरह बो रखी है वो ख़राब हो जाएगी। तो अब बंद कर देते हैं पानी को। तो फ्रेंड्स अब हो चुके हैं शाम और अब मुझे जाना है गाय ढूंढने के लिए। और वैसे फ्रेंड्स पहले मैं मार्केट जा रहा था गेहूं पिसाने के लिए, लेकिन पापा ने कहा कि मुझे मार्केट में कुछ काम है तो मैं ही गेहूं पिसवा के ले आऊँगा। तो ऐसा करके तू गायें लिया और गायों को बांध देना और उनको घास वगैरह भी दे देना। तो चलो चलते हैं हम गायें ढूँढ के लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि पापा ने बताया था कि तुझे ठीक प्राइमरी स्कूल के सामने ही मिलेंगे गाय। ये देखो ठीक प्राइमरी स्कूल के सामने ही है, ये रहा प्राइमरी स्कूल और वो रही हमारी गायें। तो चलिए लेके आते हैं अब उनको। ये रही देखो लाली और ग्वारा और मोटू, ये रहा लेकिन गब्बी नहीं दिखाई दे रही, गब्बी फिर से कहीं चली गई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे गब्बी तो है नहीं, गब्बी शायद पहले ही घर पे चली गई है, उधर छोटे लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा क्या तुम में से किसी ने हमारी गब्बी को देखा, तो उन्होंने कहा कि आपकी गाय तो शायद चली गई है, घर पे जाते हुए देखा होगा उन्होंने। तो चलो देखते हैं, अगर घर पे ही होगी तो सही है, क्योंकि वो इधर उधर निकल जाती है। अब कहाँ से आएगा, आराम से आराम से आराम से चले। इधर से आया कहाँ से, चढ़ने में डर लग रहा है। तो यहाँ पर से लाली और ग्वारा को चढ़ने में डर लग रहा था तो उधर से आने लग गए। मोटू तो ऊपर पहुँच भी गया भाई, ये दोनों के दोनों पीछे छूट गए। ये देखो इन दोनों को तो पानी की प्यास नहीं लग रही थी, लेकिन मोटू को पानी की प्यास लग रही थी, तो मोटू तो चला गया पानी पीने के लिए। और उसके साथ ये पता नहीं किसकी गायें हैं, वो भी जा रखी है पानी पीने के लिए। चला जा। तो लीजिए पहुंच गए अपने गौशाला में। और ये देखो गब्बी हमें यहीं पे दिख गई, चलो आज अच्छा हुआ इधर उधर नहीं जा रखी है, पहले ही आ गई। चलो भाई अंदर चलो। तो अब सारी गायें तो आ गई है, तो अब इनको अंदर बांधते हैं और थोड़ा सा घास दे देते हैं इनको खाने के लिए। तो फ्रेंड्स अब गायों को बांध दिया है और ये देखो मम्मी ने गौशाला के अंदर कितना अच्छा कर रखा है गायों के लिए। ये देखो गोबर निकाला होगा तो उनके लिए पिरुल भी बिछा दिया है, देखो अच्छा कर रखा है उनके लेटने के लिए। और यहाँ पहले से ही गायों के लिए घास रख रखे थे,
तो फ्रेंड्स अब ढक दिया है गौशाला का दरवाज़ा और खिड़की पे भी लगा दिया है कपड़ा, ताकि जो ठंडी हवा है ना वो अंदर ना जाए। तो अब चलते हैं घर की ओर। तो फ्रेंड्स अब पहुंच गए घर, और ये देखो ये फर्श डाला हुआ अच्छा लग रहा है यार। इस पे बाद में घोल मारने की बात तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देखते हैं सूख गया कि नहीं यार अभी नहीं सूखा, मेरे हाथ का निशान ही आ गया। लेकिन ये पता नहीं कौन कर रहा है, फर्श डाला नहीं कि तोड़ना पहले स्टार्ट हो गया। निशान मार दिए ये। चलो कोई ना, इतना तो चलता है। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग को अब यहीं पे करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए करनियास ब्लॉग को। तब तक के लिए बाय।